अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, इन दोनों के घर पर पिछले चार दिनों से आईटी की रेड पड़ रही है और रेड में बहुत सारे खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब तक 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का मामला सामने आ चुका है, जहां पर टैक्स की हेराफेरी और चोरी का आरोप लग रहा है। अब इनके खिलाफ इतने जमकर सबूत मिले हैं, अगर ईमानदारी से इनके ऊपर केस लगाया जाए और जांच की जाएगी तो यकीन मानिए कि इनका पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो खबर सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो जो मनोज तिवारी है, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसरों से बात की है और उन्हें ये हिदायत दी है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ थोड़ी ढिलाई से पेश आइए, अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए, मनोज तिवारी ने इस पर दलील क्या दी है। मनोज तिवारी ने ये कहा है कि अगर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कड़ा काम मत कीजिए, क्योंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े लोग हैं जिनके सहारे पर फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों का घर चलता है, उनके पेट में राशन पहुंचता है, उनकी जरूरतें पूरी होती है, यहाँ तक कि वो अपने हिस्से का टैक्स भी टाइम टू टाइम भरा करते हैं। ऐसे में अगर किसी और की गलती की सजा अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को ना दी जाए, अगर ठोस सबूत मिलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। यहाँ तक कि मनोज तिवारी का ये भी कहना है कि अगर सबूत बकायदा नहीं मिल रहे हैं तो ईडी की कार्रवाई भी उनके ऊपर नहीं करनी चाहिए। देखिये, बात दरअसल ऐसी है कि अनुराग कश्यप और मनोज तिवारी का जो है वो नाता बहुत ही करीबी है, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज तिवारी ने जिया हो बिहार के लाला वाला गाना गाया था, अनुराग कश्यप ने उन्हें काम दिया था, तो ये जो याराना है वो अब काम आ रहा है। वही जो बड़े न्यूज चैनल ने मनोज तिवारी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मनोज तिवारी का ये कहना है, मुझे कड़ी बनने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं कोई प्रक्रिया हूँ और ना मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मनोज तिवारी का माने तो उनका ये कहना है कि अगर आप सही है तो मोदी सरकार आपको सजा नहीं देगी, यानी कि किसी भी हैरेसमेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मनोज तिवारी ने ऐसा नहीं किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मनोज तिवारी ने ऐसा काम किया है तो मोदी सरकार को मनोज तिवारी के ऊपर भी कड़ाई से पेश आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मनोज तिवारी की वजह से बीजेपी दिल्ली का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। वहां पर मनोज तिवारी के चलते ही जो है बीजेपी वहां पर लगातार हारते हुए चली आ रही है। देखा जाए तो मनोज तिवारी किसी भी काम के नेता नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, खेल मंत्री किरण रिजिजू और मनोज तिवारी में फर्क क्या है। जब तापसी पन्नू के बॉयफ्रेंड ने खेल मंत्री किरण रिजिजू से मदद मांगी कि तापसी पन्नू के परिवार वाले परेशान है, वो इतने ज्यादा परेशान है कि वो ठीक से खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं और तापसी पन्नू को बेवजह इसमें फंसाने की कोशिश हो रही है, उन्हें जल्दी से जल्दी छूट दे दी जाए, यहाँ तक कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि किरण रिजिजू जी इसमें आप कुछ करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर किरण जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और वो जवाब ये है, उन्होंने ये कहा कि कानून सबके ऊपर है और कानून का सम्मान किया जाना चाहिए, ये जो विषय है ये मेरे और आपके दायरे से बिल्कुल बाहर है, हमें अपने पेशेवर जिम्मेदारियों की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए जो भारतीय खेल के लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए, देश को किरण रिजिजू जैसे मंत्रियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना कि मनोज तिवारी जैसे मंत्रियों की जो गलत लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह के मंत्रियों का तो बीजेपी में कोई भी काम और कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है कि मनोज तिवारी ने क्या वाकई में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को बचाने की कोशिश की है, या जो उन्होंने दलील दी है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, सच क्या है? अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।